सरफेस केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आपकी फिफ्थ यूनिट जो है वो समाप्त हो जाएगी। कल हमने कैटालिसिस के बारे में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ कैटालिसिस, होमोजेनस, हेटेरोजेनस और उनकी थ्योरी यानी कैसे वो होती है। आज हम शुरू करेंगे भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट भी। सबसे पहला है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट भी। एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट? एंजाइम इज हाईली और कैटलिस्ट इज हाईली एक्टिव इन नेचर। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टू 10^12। ये जो है 10^12 टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता, बढ़ा देता है। इट मेक्स द रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट एंड हाईली एक्टिव इन ए नेचर। दूसरा ये कहता भी कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। व्हेन वी चेंज द हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड व्हेन ए कैटलिस्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन, डू नॉट एक्ट एज द कैटलिस्ट इन सम अदर रिएक्शन। ये कहता है कि एक रिएक्शन में जब ये कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा तो दूसरी रिएक्शंस के अंदर ये आपका कैटलिस्ट के रूप में काम नहीं कर सकता है। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, कैटलिस्ट इज ए हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। If you change the catalyst in a reaction, then a product formed is changed irrespective of reactants also. ये कहता है कि जब आपने किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को चेंज कर दिया तो कैटलिस्ट चेंज होने के बाद प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बावजूद इसके कि आपने रिएक्टेंट को चेंज नहीं किया है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये रिएक्टेंट है अभी CO+H2, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है। हमने सबसे पहले रिएक्शन करवाई कॉपर एज ए कैटलिस्ट लेकर, इट विल गिव यू, ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्रोवाइड करता है। It will give you formaldehyde. अगर हमने कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये दो सब्सटेंस और ले लिए एज ए कैटलिस्ट, हमने कैटलिस्ट को चेंज किया रिएक्टेंट को नहीं, इट विल गिव मिथेनॉल। अगर हमने यहां पर निकल को एज ए कैटलिस्ट ले लिया, इट विल गिव यू मीथेन। ये आपको जो है मीथेन प्रोवाइड करेगा। आप ध्यान से देखें, कैटलिस्ट हमने चेंज किया, प्रोडक्ट चेंज हो गया, जबकि रिएक्टेंट केवल वही दो है, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन। सो यू कैन से दैट कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। व्हेन वी चेंज द कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, then product formed is a change. फिर हम बात करते हैं भी एंजाइम एज कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं? दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैटलाइज द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैटलाइज करते हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम,
एंजाइम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मिली। सबसे पहला स्पेसिफिसिटी, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम होता है, लेकिन ये प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये एंजाइम विच कैन कैटलाइज ए पर्टिकुलर रिएक्शन डू नॉट कैटलाइज द अदर रिएक्शन। जो एंजाइम एक रिएक्शन को कैटलाइज करेगा दूसरी को कैटलाइज नहीं करेगा। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना है, माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। अब ये माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं होगा। अगर हमें ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो यहां पर एंजाइम होगा जाइमेज। हमेशा अलग अलग एंजाइम जो है वो यूज होंगे अलग अलग रिएक्शंस के अंदर। सो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एफिशिएंसी, एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। कैन यू इमेजिन द सिंगल मील फूड वी हैव टेकन, हाउ मेनी टाइम इट विल टेक टू डाइजेस्ट इन आवर बॉडी विदाउट एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में हम मानते हैं 3 to 4 आवर के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अगर एंजाइम नहीं है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स इट विल टेक टू डाइजेस्ट इन आवर बॉडी विदाउट एंजाइम। सो एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट एंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एट वेरी हाई। स्मॉल क्वांटिटी एंजाइम इज ए रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, सो दैट इट नीड इन ए स्मॉल अमाउंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, आवर बॉडी कैन वर्क इन ए प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंजाइम कैन एक्ट इन ए ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पर ही ये काम करते हैं। अगर आप टेम्परेचर और पीएच को घटाओगे बढ़ाओगे तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा। एंजाइम एक्टिवेटर, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज और इनहांस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिवेटर और जो इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे वो एंजाइम पॉइजन कहलाएंगे। तो हम यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम इस प्रकार से बता सकते हैं। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट कैटलिसिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लोक एंड की मैकेनिज्म। लोक एंड की मैकेनिज्म, जैसे एक ताले की स्पेसिफिक की होती है उसी प्रकार से आपका एक सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। एंजाइम हैव सम साइट, एंजाइम के ऊपर जो है कुछ साइट्स होती हैं। दीज साइट इज नोन एज एक्टिव साइट, दे कैन ओनली अट्रैक्ट द स्पेसिफिक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टुवर्ड्स इट। ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सो इट्स मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन इन टू स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे। इस एक्टिव साइट पे कुछ
कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाइंड हो जाएंगे. दिस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इन द सेकेंड स्टेप डिकम्पोज. ये डिकम्पोज हो जाएगा. एंजाइम इज रीजनरेटेड एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. एंजाइम यहाँ पर रीजनरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट पे बन जाएगा. ये आपका फास्ट स्टेप होता है और ये स्लो स्टेप होता है. सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सेकेंड स्टेप जो हमारा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो इस तरह से आप इन दो स्टेप के द्वारा मैकेनिज्म जो है वो एंजाइम कैटालिसिस का दे सकते हैं. लॉग एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं. एज लाइक एज ए लॉग हैज स्पेसिफिक की, एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. एंजाइम इज बाइंड विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड इट्स मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन बाय टू स्टेप. इन द फर्स्ट स्टेप एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच हैव हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी. द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज देन डिकम्पोज टू गिव द प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज रीजनरेटेड टू बाइंड विद एनदर सबस्ट्रेट. सो दैट दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज लोक एंड की मैकेनिज्म. ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक और यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 5 जो वो कंप्लीट होती है.